असंसदीय शब्द की एक सूची आई थी 2021 में तैयार हुई, अगर आपको याद हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ऐसे बहुत सारे शब्द और सेंटेंस थे जिसको अनपार्लियामेंट्री यानी कि असंसदीय घोषित कर दिया था। जरा फुल फ्रेम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें थी। उल्टा चोर कोतवाल को दांटे, खून की खेती, शर्म, गद्दार, गधा, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, जयचंद, दोगला चरित्र, शकुनी, जुमला जीवी, लॉलीपॉप, शर्मनाक, गाली, धोखा, भ्रष्ट, ड्रामा, पाखंड, अक्षम। तो ये वो शब्द हैं जो संसद को ये लगा और जितने माननीय हैं उनको ये लगा कि ये सब शब्द नहीं बोलने चाहिए। अब जरा इन शब्दों को की जो सूची आपने देखी है, इनको जो ये माननीय हैं, इन्होंने जो शब्द बोले उससे आप जरा तुलना करके देखिए किसने क्या बोला और किसने अमर्यादित काम किया। मर्यादा रखिए, आप माननीय हैं। फैजान मुस्तफा साहब भी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है जब हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं तो वो लैंग्वेज पढ़े लिखे लोगों की एक दूसरे के बीच आदर और सत्कार से बात करने का नाम है। ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है वो गाली गलौज पर उतर आई, और वो एक इंडिकेशन है कि देश में जनतंत्र का स्वास्थ्य कैसा है। 1999 में संसद ने अनपार्लियामेंट्री शब्द जो हैं उन पर एक किताब छापी, और 2004 में 900 इस तरीके के वर्ड्स आइडेंटिफाई हुए जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। फिर 2022 में अभी पिछले साल उसका नया एडिशन आया और उसमें आप देखिए कि इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। मंद बुद्धि, खरीद फरोख, इनकॉम्पिटेंट, शकुनी, दलाल, चेलास, तानाशाही। ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी किसी को झूठा कहना जो है वो भी आपको उसकी इजाजत नहीं। अब याद रखें कि संसद में जो कार्यवाही होती है वो संसद का विशेषाधिकार है, और अनुच्छेद 105 में किसी भी मेंबर के विरुद्ध कोई केस नहीं किया जा सकता इस बिना पर कि उसने संसद में क्या बोला। और ये इसलिए विशेषाधिकार दिया गया था ब्रिटिश संसद में क्योंकि वहां राजा के विरुद्ध जो संसद में बोलता था या रानी के विरुद्ध उसको अरेस्ट कर लिया जाता। आज इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी संविधान ने और संसद ने इस प्रावधान को रखा और किसी ने इसको दासता की निशानी नहीं माना। अब जो हमारी संसद है उसमें रूल है 380 बिजनेस ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, जो ये कहता है कि अगर किसी मेंबर ने कोई डिफेमेटरी, अनडिग्निफाइड या इनडिसेंट स्टेटमेंट दिया या शब्द का इस्तेमाल किया तो स्पीकर को ये अधिकार होगा कि वो उसको एक्सपंज कर दे। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये भी रूल है कि अगर स्पीकर की बात ना मानी गई या इस मामले में माफी नहीं मानी जाए तो स्पीकर को या कोई बार बार इस तरह का जुर्म करता हो, हैबिचुअल हो इस मामले में, तो फिर स्पीकर को यह अधिकार है कि वो ऐसे मेंबर को सस्पेंड कर दे, और सस्पेंड करने का जो मैक्सिमम टाइम होगा वो होगा उस सदन का बचा हुआ हिस्सा। यानी अगर ये बात कल की है तो फिर आज संसद का ये सदन खत्म, सेशन खत्म हो रहा है, उसको आज तक के लिए अगर सस्पेंड कर दिया जाता तो वो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही होता। 2021 में बीजेपी के 21 एमएलए को महाराष्ट्र में जो है इस तरह सस्पेंड किया गया था, जो पीरियड रिमेंडर ऑफ द सेशन ऑफ हाउस से ज्यादा था, और उसको अदालत ने कहा ये बात सही नहीं। ये जो बात कल बोली गई ये किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं थी बल्कि एक पूरे समाज के विरुद्ध हेट स्पीच थी। और अब ये कहना कि ये किसी
बाबा ने किसी धर्म संसद में बोल दिया या किसी फ्रिंज एलिमेंट ने बोल दिया, ये अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ने नई संसद में बोला है। पुरानी संसद में इस तरह की बातें कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स कर चुके हैं। हमें उम्मीद थी कि हम नई संसद में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें जो हेल्दी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध वोट भी दिया जाए, बाद भी उसकी काटी जाए, उसके विरुद्ध बोला भी जाए, लेकिन रिस्पेक्ट, रिगार्ड और सम्मान को ना छोड़ा जाए। अच्छा, एक बात यह भी कही जा रही है जो कि अब आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, अभी जो इससे पहले का जो संसद सत्र है जिसमें मॉनसून सेशन, उसमें आप ये देखिए कि क्या क्या हुआ। ये सब माननीय सांसद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। स्क्रीन पर अब आएंगे, फुल फ्रेम जाते हैं जरा। पिछले सत्र में ये वो लोग थे जो कि तुरंत सस्पेंड कर दिए गए। संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, कारण था चेयर के निर्देशों को इन्होंने नहीं माना, बदसलूकी की, बदतमीजी की, सस्पेंड। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के सांसद, कारण था चेयर की ओर कागज उछाले तो ये अमर्यादित था, बिल्कुल है सस्पेंड। अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी पर, इनका जो सस्पेंड किया वो कारण था लगातार दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इनके खिलाफ इनको सस्पेंड किया गया, कहा गया कि विशेषाधिकार हनन की एक शिकायत थी, उस पर इनको सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हुए हैं, तुरंत हुए हैं। और ये जो उदाहरण आपने स्क्रीन पर देखे हैं, ये उदाहरण अभी पिछले ही मानसून सत्र के हैं। तो ऐसी त्वरित कार्रवाई की उम्मीद लगाई जाएगी जो स्पीकर हैं ओम बिरला उनसे, इस मामले में भी क्या होगा हम देखेंगे।